तो जो भयानक सपना आज से बने 100-200 करोड़ों सालों पहले देखा था, अब वो सच हो गया है। इतना भयानक सपना है वो, और अगर वो मैंने आपको बता दिया तो आपकी भी खड़ी हुई डाली सो जाएगी। तो एक्चुअली में हुआ कुछ ऐसा कि जो वार्नर ब्रदर्स वाले हैं, उन्होंने बहुत ही गंदा हगा है। इतना गंदा कि तुम्हारा मेरा सबका घर उसमें डूब जाएगा, क्योंकि इन लोगों ने जो बेंटन की आने वाली लाइव एक्शन मूवी थी उसको कैंसिल कर दिया है। मगर इन छुट्टियों ने ये बात नहीं बताई कि आखिर इन लोगों ने मूवी किस लिए कैंसिल कर दी। बजट का इशू था, इनको बनाने का मन नहीं था, या फिर इनको ऑडियंस की लेने में बहुत ही ज्यादा मजे आती है और बेंटन के फैंस ये उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि बेंटन की एक न्यू सीरीज आएगी। इन लोग उसका भी कोई अपडेट नहीं दे रहे, वो सीरीज बन रही भी है कि नहीं, बस फैंस अपने मन में ही अनुमान लगा रहे हैं कि इस तारीख को आएगा, इस तारीख को आएगा। मैंने भी कई बार अपने चैनल पर ये टॉपिक को कवर किया है, लेकिन अब मुझे भी डर लग रहा है, क्या इन लोग बेंटन की न्यू सीरीज को बना भी रहे हैं? घंटा, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। इन वार्नर ब्रदर्स वालों के पास इतना पैसा कि ये लोग तो बनी बनाई मूवी को कैंसिल कर देते हैं, तो ये मूवी तो बननी भी चालू नहीं हुई थी। मेरे हिसाब से तो इन दूर लोगों के पास बेंटन के राइट्स को होने ही नहीं चाहिए। इतने समय से बेंटन के ऊपर हमें कुछ भी देखने को नहीं मिला, क्या देखने को मिला है? बेंटन रिबूट। वार्नर ब्रदर्स वाले, अगर तुम्हारे पिछवाड़े में दम नहीं है बेंटन की सीरीज चलाने की, तो इसके राइट्स किसी और को बेच दो, मत रखो अपने पास। अगर राइट्स नहीं भी बेचना है तो किसी और स्टूडियोज को तो इसकी सीरीज बनाने का ऑफर दो। मगर अभी फिलहाल अभी के लिए तो बेंटन जैसी मास्टरपीस फ्रेंचाइजी डेड पड़ी हुई है, जो कि मार्वल और डीसी से भी आगे निकलने का पोटेंशियल रखती है। लेकिन जब बनाने वाले ही चूती हो तो हम क्या कर सकते हैं, हम बस इंतजार कर सकते हैं। एंड मैं तो बोलूंगा कि इंतजार भी मत करो, किसी चीज का होप मत रखो। अगर कोई ऑफिशियल अपडेट आती है बेंटन से रिलेटेड तो वो हम आपको बताएंगे जरूर। मैं और मेरे दोस्त तो अभी भी बेंटन से रिलेटेड अगर कुछ भी आता है तो उसको देखने के लिए तैयार है, बस बेंटन रिबूट को छोड़कर। मगर अभी कुछ आएगा ही नहीं, बस उसका एक कॉमिक आ रहा है बेंटन का, जो अगर वो भी हिट नहीं हुआ तो समझ लो कि बेंटन पूरी तरीके से डेड हो चुका है। वो हिट हो गया तो हो सकता है कि उसके ऊपर इन फ्यूचर हम लोगों को कोई सीरीज देखने को मिल जाए। बाकी जब मैं बचपन में बेंटन की सीरीज देखा करता था तो मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस फ्रेंचाइजी का एंड इतना खराब होगा। बाकी आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब मार दीजिए। तब तक के लिए अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए और देखते रहिए AS2 मूवीज।